नमस्कार दोस्तों, हमारे शरीर पर कई जगह निशान होते हैं, तिल के या फिर मस्से हो जाते हैं और उन्हें हटाने के लिए लोग प्रयत्न करते हैं। कभी कभी तिल इतने ज्यादा हो जाते हैं जिसकी वजह से वह बहुत ज्यादा भद्दे लगते हैं और आपकी खूबसूरती को भी बिगाड़ सकते हैं, ऐसा माना जाता है। लेकिन कभी भी तिल को नहीं हटाना चाहिए। कभी तिल आपके सुख फल भी देते हैं और उसके साथ साथ दुख के भी फल देते हैं। दोनों ही पहलू इन दोनों के साथ ही चलते हैं। तो आज मैं बताने जा रही हूँ कि आपके तिल किस स्थान पर होने पर, यानी कि शरीर के किस अंग पर होने पर आपके लिए शुभ माने जाएंगे। नंबर एक, यदि आपके तिल नाभि के पास है तो समझ लीजिए कि आप बहुत ज्यादा लकी हैं। आपको जीवन में सारी सुख सुविधाएं मिलने वाली हैं। आपको आपके पति का प्यार भी मिलेगा, पूरा परिवार भी मिलेगा, साथ के साथ आपके परिवार का प्यार भी मिलेगा। आप दोनों तरफ से संपन्न पाओगी। नंबर दो, यदि आपके पैर के अंगूठे पर तिल है तो वह भी शुभ माना जाता है। यदि आपके पैर के अंगूठे पर तिल है तो आपको सारी सुख सुविधाएं मिलेंगी, साथ के साथ आपको पूरे के पूरे संपन्नता मिलेगी। आप हर चीज से संपन्न हो, चाहे वह गुण हो या फिर आपकी जितनी भी चीजें आपकी जिंदगी में आती हैं उस चीजों से संपन्न रहेंगे, परिवार के सुख से भी। यदि आपके कान पर तिल है तो वह भी बहुत ज्यादा लकी माना जाता है। यदि किसी भी स्त्री या फिर पुरुष के कान पर तिल होता है तो कहा जाता है वह व्यक्ति बहुत ज्यादा बुद्धिमान है और वह बहुत ज्यादा धन भी अर्जित करता है। नंबर चार, यदि किसी की भी पीठ पर तिल है तो ऐसे व्यक्ति बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी होते हैं, सारे गुण भी होते हैं और उन्हें धन कमाने की ज्यादा उत्सुकता नहीं रहती है। जितना कमाते हैं उतना ही दिल खोलकर अर्जित भी करते हैं, यानी कि दिल खोलकर खर्च भी करते हैं और साथ के साथ हर किसी के साथ घुल मिल जाते हैं। ये है किस स्थान पर, यानी कि शरीर के किस अंगों पर आपके तिल होने आपके शुभ माने जाते हैं। मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।